कार्तिक पूर्णिमा पर हाजीपुर और लालगंज में गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा गंडक नदी के संगम कुन्हारा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था कोरोना पर भारी पड़ी। सभी हर हर गंगे के उच्चारण के बीच नदी में डुबकी लगा रहे थे। यही नजारा लालगंज के नारायणी नदी के बसंता जहानाबाद और खंजाहाचक समेत विभिन्न घाटों पर दिखा। इस दौरान जिला प्रशासन की हिदायतें बेअसर साबित हुई और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो सका। अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नदी घाट पहुंचे और गंगा स्नान किया। सुरक्षा में तैनात सदर SDPO राघव दयाल ने बताया कि पूर्व में कई माध्यमों से श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर गंगा स्नान के लिए हिदायतें दी गई थी, बावजूद बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान को पहुंच गए। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से अलग से व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ लालगंज में नारायणी नदी के बसंता जहानाबाद घाट पर SDRF की टीम तैनात की गई थी, जो लगातार नदी में गश्त लगाकर सुरक्षा को लेकर चौकन्ना दिखी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोनारा घाट हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में जुड़ जाते थे। पूर्व में तो पहले से भी प्रचार किया गया था COVID-19 का गाइडलाइन अनुपालन करने के लिए, और उसके मद्देनज़र वाहनों का परिचालन पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई थी, और छोटे वाहनों को भी आने का ट्रैफिक नियम बना करके, और रमासी चौक से उधर कोनारा रोड जो बाईपास मोड़ से आती है कोनारा रोड, उसमें भी ट्रैफिक का परिचालन को रोका गया था। फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर जुट गए हैं। इसके लिए अलग से पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर एक मोड़ पर बैरियर लगा करके गाड़ियों का परिचालन या भीड़ नियंत्रण के लिए बैरियर लगा करके, और धीरे धीरे लोग जाएँ स्नान करके घर से गली खाली करते जाएँ व्यवस्था किया गया है। और घाट पर भी जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनके निगरानी के लिए गोताखोर की व्यवस्था है, नाव पर पुलिस पार्टी की व्यवस्था, SDRF की व्यवस्था सब किया गया है।